नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी लोगों का एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का एग्ज़ाम आज हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आज का एग्ज़ाम कैसा था और कुल मिलाकर के जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, ठीक है। 2017 के हिसाब से जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, क्योंकि उसी बेसिस से बच्चों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों मैं अनअकैडमी पर भी एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, जहाँ पर अभी मैं आप लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट RO और ARO की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जिसके लिए सामाजिक अध्ययन के सारे पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जा करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए ग्रामीण प्रवेश सेक्शन को मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोनों की, तो आप लोग जा करके फॉलो करिए और ये वीडियोज़ फ्री में देख सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फाइनली आज का जो पेपर था वो कैसा था। तो दोस्तों पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेपर काफ़ी जल्दी कंडक्ट करा लिया गया है, ठीक है। और आज का पेपर कुल मिलाकर के बात करी जाए तो पेपर एवरेज था, ना ही ज़्यादा सरल था ना ही ज़्यादा कठिन था। मैं केवल ग्रुप सी के पेपर की बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी तो एज इट इज़ ऐसा लग रहा था कि 2017 की कॉपी दे रहे हो, ठीक है। ग्रुप सी डी का तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, पर ग्रुप सी की अगर बात करें तो जैसा पिछली बार आया था 2017 में बिल्कुल ही वैसा ही पेपर था, ना ज़्यादा सरल था ना ज़्यादा कठिन था। तो दोस्तों इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि आखिर कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर हम कट ऑफ की बात करें 2017 में जिन बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था उनके लगभग कम से कम जो नंबर थे दोस्तों, अगर SC ST कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों 75 नंबर से लेकर के जिन लोगों के 85 थे, तो इस बीच में जिनके नंबर लाई कर रहे थे तो उन बच्चों को तो टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार की भी जो कट ऑफ है कम से कम आपको जो स्कोर करना है वो 75 नंबर तो मिनिमम रखना है, ठीक है। 75 नंबर रखना है, पर पिछली बार ये भी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स रहे थे कि कुछ बच्चों के 82 नंबर थे उनको नहीं बुलाया गया था, जबकि 78 या फिर 75 नंबर वाले बच्चों को भी बुला लिया था जो कि जनरल कैटेगरी में लाई करते हैं उनको, ठीक। तो इस बार क्या हिसाब रहने वाला है तो इसका तो पता नहीं है, पर फिर भी आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों को मिनिमम जो नंबर स्कोर करने थे कम से कम 75 नंबर अगर आपने किए हैं तो आप टाइपिंग देने जा रहे हैं, ठीक है, टाइपिंग देने जा रहे हैं। और फिर सारे का सारा जो मैटर डिपेंड करता है आपका टाइपिंग पर करता है, क्योंकि 50 नंबर की टाइपिंग होती है 25-25 की, ठीक है, ऑफलाइन टाइपिंग होती है, मतलब एक पेपर दिया जाएगा आपको। और सारा का सारा देखिए इस पेपर वन में जितने आपके नंबर हैं, मान के चलिए आपके 80 नंबर हैं, तो अब जो कुछ डिपेंड करेगा आपका पेपर टू पर करेगा। तो पेपर टू भी पेपर वन की तरह हो सकता है जल्द से जल्द करा लिया जाए। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि अब जिन बच्चों के अगर आज आप लोगों के 80 नंबर बन रहे हैं, 75 से लेकर के 80 नंबर बन रहे हैं, तो आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं हिंदी की टाइपिंग में, तो हिंदी की टाइपिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और पेपर को देख करके जो आपका वो आता है सामायिकी वाला जो पेपर आता है, मतलब अंदर जो एडिटोरियल पेज आता है, एडिटोरियल को देख देख कर आपको टाइप करना है, क्योंकि ऑफलाइन टाइपिंग होती है और देख देख कर पेज में से देख करके टाइप करना होता है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो कट ऑफ के बारे में क्लियर हो गया है, मैं सब लोगों की बता दे रहा हूँ इकट्ठी, क्योंकि कम से कम भाई चाहे SC हो ST हो चाहे कोई भी कैंडिडेट्स हो चाहे जर्नल हो, कम से कम 75 नंबर तो आपके होने ही चाहिए थे आज के पेपर के हिसाब से। पूरा का पूरा पेपर एवरेज था, 2017 की तरह ही था, ठीक है। तो कम से कम आप लोगों को 75 मार्क्स अचीव करने थे। अब आप लोगों की राय में जानना चाहता हूँ कि आप लोग को क्या लगता है कि भाई कितनी कट ऑफ जा सकती है। जो मुझे लगा जितने बच्चों से बात हुई, जैसे कि मैंने पेपर देखा तो उस बेसिस पे और 2017 की जो पेपर हुआ था उसको देखते हुए, तो कम से कम 75 मार्क्स तो आपके होने चाहिए थे अगर आप लोगों को टाइपिंग में जाना है तो, ठीक है। तो अच्छा हो गया तो आप टाइपिंग के लिए लग जाइए, ठीक। और जो लोग RO और ARO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मैं सामाजिक अध्ययन को करा रहा हूँ, तो अनअकैडमी पर प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं अभी हमारे, जो कि RO और ARO में आए हुए हैं। इसी के अलावा लेखपाली के लिए अभी हम लोग एक सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं ग्रामीण प्रवेश, तो लेखपाली की भी जल्दी आने वाले हैं, तो आप लोगों को जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो अब दोस्तों आप अपनी राय दीजिएगा, अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।